हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी जो है इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनके लिए लेके आ रखा हूँ उनका असाइनमेंट, जो अभी असाइनमेंट हो रहे हैं। और मैंने जो है किसी स्टूडेंट्स ने मुझे जो उनके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन थे उनके स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं जो है जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं असाइनमेंट्स में 30, वो क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। और यहाँ से जो है आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो जो 30 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, और आंसर जो है दोस्तों आपको खुद ही करने होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपका BAEL 101 जो बुक है आपकी, उसकी वीडियोस बना के दी हुई थी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से हैं जो मैंने देखे, इनको एक बार मैंने देखा है। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आई एम डैश डैश स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको एन ए द 0 आर्टिकल। तो दोस्तों ये है आपकी जो है जो आपका पहला लेसन है ए एन और दा का जो यूज़ है वो, और 0 आर्टिकल। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो है वो सारी वीडियोस वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो है वन बाय वन जो है चैप्टर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो है ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं इनके असाइनमेंट देने के लिए आप रेडी होइएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था वो आया था कि द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, आई डॉट डॉट स्लीप वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन दिए हैं कि क्या आएगा यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट था डिडेंट, डेड, वजेंट, नॉट। तो जो यहाँ पे आपको ये चार ऑप्शन में से क्या यहाँ पे आएगा वो आपको बताना था। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था आपका वो था विवीज बीन अ वेजिटेरियन डॉट डॉट 3 ईयर्स। तो ऑप्शन थे आपके सिंस, फॉर, आफ्टर और नॉन ऑफ द एवव। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द गर्ल राइट्स डॉट 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 पोएम। तो यहाँ पे क्या आएगा, द, एन, 0 आर्टिकल या ए। तो ये जो ऑप्शन है इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, तो वही आपको देखना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस जो देखिए यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन आया आपका जो लेसन नंबर फर्स्ट है ए एन और द का यूज आर्टिकल्स उसमें से। तो अगर आपने जो है जो लेसन वाइज मैंने जो आपको वीडियोस बताई हुई थी, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हुई है जो लेसन वाइज चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और इस वीडियो के ख़त्म होते ही आपको जो लेसन्स जो वीडियोस बनाई गई हैं वो वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए आपके असाइनमेंट में और आप अच्छे नंबरों से असाइनमेंट में जो है वो नंबर लेके आए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंक्शनल वर्ड। तो ऑप्शन है आपके द परफॉर्म ग्रामेटिकल फंक्शंस बट लैक अ डिफाइनाइट मीनिंग। सेकेंड था आपका दे हैव अ डिफाइनाइट मीनिंग बट डू नॉट परफॉर्म अ ग्रामेटिकल फंक्शन। थर्ड है दे ओनली परफॉर्म ग्रामेटिकल फंक्शन। फोर है दे ओनली हैव अ डिफाइंड मीनिंग। तो इसमें से जो करेक्ट है फंक्शनल वर्ड वो आपको चूज करना है। उसके बाद जो है सिक्स क्वेश्चन है इसी में आपका कि अनलेस द वेदर डॉट 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 बेटर आई डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन है आपके गेट्स, विल अराइव, गेट्स वॉन्ट अराइव, डजंट गेट वॉन्ट अराइव और वॉन्ट गेट डॉट डॉट डजंट अराइव। तो ये ऑप्शंस थे आपके, इसमें से जो वहाँ पे सूट होगा वो आपको चेक करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 7th, आई हैव बीन स्टडिंग डॉट 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 मंडे। तो ऑप्शन थे आपके सिंस, फ्रॉम, फोर और टिल। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है आपका कि यू एंड आई डॉट 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 इन दिल्ली टुगेदर। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन है आपके लिप, लिप्स, हैज अराइव्ड, विल हैव अलाइव।
तो जो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आएगा वो आपको यहाँ पे राइट फिल करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो आपके चैप्टर्स हुए हैं उनमें जो है कवर किए हुए। अगर आपने जो आपके इंग्लिश के चैप्टर हैं लेसन वन और जो अभी तक मैंने जो यूनिट 15 तक आपको सारी चीज़ें बता दी थी लेसन वाइज, वो वीडियोस देखिए, तभी आप अपने असाइनमेंट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वी फाइनली सॉल्व आवर प्रॉब्लम डॉट 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 अ न्यू डिवाइस क्रिएटेड बाय आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका फ्रॉम मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स फ्रॉम, बाय मीन्स टू। तो जो यहाँ पे आएगा वो आपको ये चार ऑप्शन में से ही एक यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है डॉट 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 मी आई विल बी हैप्पी टू डेडिकेट अ फ्यू एक्स्ट्रा हॉर्स टू द कॉज। तो ऑप्शन है आपके एज फॉर, एज ऑफ, एज फ्रॉम, एज टू। तो क्या आएगा यहाँ पे वो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में 11, हाउ डॉट डॉट सी डू दैट टू अस। तो क्या आएगा, वुड, मस्ट, कोड या सेल। तो ये जो है मॉडल्स हैं आपके और यही जो होंगे आपके एग्जाम में भी आएंगे इन्हीं से रिलेटेड वीडियोस। तो आप जो है अगर आपने लेसन नहीं देखे हुए चैप्टर वाइज तो वो लेसन देखिए, उनके बाद जो है ही अपना असाइनमेंट दीजिएगा, तभी आपको हेल्प मिल जाएगी और अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे। उसके बाद जो है आपका इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, आई हैड रेदर हैव वाइन डॉट डॉट बियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टीट देन, इंस्टीट फ्रॉम, इंस्टीट टू, इंस्टीट ऑफ। तो क्या आएगा आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 12 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हैज़ एनी बडी सीन योर बाइक। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन है आपके योर बाइक हैज़ बीन सीन, एनी बडी हैज़ सीन योर बाइक, हैज़ योर बाइक बीन सीन, हैव यू सीन योर बाइक। तो ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो है 14 क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग पीक हॉर्स इट डॉट डॉट टेक मोर देन टू हॉर्स। ऑप्शन है आपके कैन, शुड, सेल, विल। तो क्या आएगा आपको वो यहाँ पे बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सॉरी आई कांट आई डॉट 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 माई डॉटर टू वर्क एट दैट टाइम। ऑप्शन है आपकी विल बी टेकिंग, विल टेक, वॉन्ट बी टेक, सेल नॉट टेक। तो क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 था आपका 16, ही सेट लेट अस वेट फॉर योर टीचर। तो ऑप्शन क्या थे यहाँ पे, ही परपोज दैट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर। फिर था नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड दैट दे वुड वेट फॉर देयर टीचर। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, जो परपोस्ट, जो रिक्वेस्ट, जो परमिशंस, वो सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर वाइज बताई हुई थी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई गई है चैप्टर वाइज, आप वो सारे चैप्टर देखिए, उसके बाद अपना जो असाइनमेंट है वो दीजिएगा। उसके बाद है ही परपोज दैट दे सेल वेट फॉर देयर टीचर। फिर नेक्स्ट है ही परपोज दैट दे कैन वेट फॉर देयर टीचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द पर्सन हुम द स्टेटमेंट इज बींग स्पोकन टू। तो क्या होगा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फोर्थ पर्सन। तो ऑप्शन में से ही आपको एक सेलेक्ट करके बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इफ सी हैड लिस्टेंड टू मी, सॉरी लिसन, लिसन होगा यहाँ पे, लिसन टू मी, बाय मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मी सी डॉट डॉट प्रॉब्लम्स। तो क्या आएगा, विल नॉट हैव, वुड नॉट हैड, वुड नॉट हैव, वुड नॉट हैव हैड। तो क्या आएगा वो आपको बताना था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 19, द विंडो वॉज ओपन एंड आई एंड अ बर्ड डॉट डॉट इन टू द रूम। तो क्या आएगा, फ्लाई, फ्लू या वॉज फ्लू या डिड फ्लाई। तो क्या आएगा वो आपको बताना था इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, आई वुड हैव क्लीन द हाउस इफ आई डॉट डॉट यू वर कमिंग। तो क्या आएगा, हैड नोन, हैव नोन, नो या न्यू। तो क्या आएगा यहाँ पे ये आपको बताना था इसमें। फिर इसी में आपका जो है 21 क्वेश्चन था कि
कैन यू गिव एना मैसेज फॉर मी श्योर प्रॉबली डॉट 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 हेम एट द मीटिंग दिस इवनिंग। तो ऑप्शन थे आपके कि विल सी, एम गोइंग टू सी, सॉ या एम सिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे वो आपको बताना था इस क्वेश्चंस में यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 22, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी डॉट डॉट 7 o'clock। ऑप्शन थे आपके टिल, सिंस, फ्रॉम या फॉर। तो क्या आएगा वहाँ पे वो आपको बताना था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 था, सलीम डजंट लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट ही लव, ब्रैकेट में था, प्लेइंग फुटबॉल। तो इस लविंग आएगा या लव्स आएगा, सी था आपका लव या हैज लव्ड, क्या आएगा वो बताना था आपको। फिर था इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द मैन डॉट डॉट वॉज स्पीकिंग टू अस वॉज वेरी टॉल। ऑप्शन था आपका हु, विच, हुज, होम। तो क्या आएगा यहाँ पे ये आपको बताना था इस पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 था, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पॉट यू वट डॉट 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 वियरिंग। तो ऑप्शन था विल यू, विल या विल यू बी या वुड यू होगा यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक हुआ है तो वुड यू। तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करके बताना था इसका आंसर। फिर 26 था आपका दे डॉट 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 ब्रैकेट में टेक देयर चिल्ड्रन टू द जो एवरी समर। तो क्या आता है यहाँ पे, टेक, टोक, टेकन या वुड टेक। तो इन ऑप्शन में से ही आपका जो है एक यहाँ पे आता। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 27, ही विल हैव डॉट 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 ऑल अबाउट इट बाय मंडे। तो क्या आता है यहाँ पे, फॉरगेटिंग, फॉरगोटन, बी फॉरगेटिंग या फॉरगॉट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए था वो आपको यहाँ पे देखना है कि राइट कौन सा होगा ऑप्शन। उसके बाद जो है 28 था आपका, वी आउट टू हैव सेव्ड सैम। तो ऑप्शन है आपके सैम आउट टू हैड बीन सेव्ड, सैम आउट टू हैव बीन सेव, सैम आउट टू हैव बीन सेव्ड, सैम आउट टू हैव सेव्ड। तो कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद 29 था आपका, हाउ कैन दे बी गोइंग आउट, जैन हैज नथिंग डॉट 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 पीटर। तो ऑप्शन है आपका इन कॉमन, इन कॉमन टू, इन कॉमन ऑफ, इन कॉमन विथ। तो क्या आएगा यहाँ पे वो आपको बताना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था 30, द पोइट एंड फिलोसोफर डॉट डॉट डाइड। ऑप्शन हैव डाइड, आर डेड, हैज डाइड, सेल डाइड। तो यहाँ पे क्या आता वो आपको बताना था। तो दोस्तों ये आपके जो 30 क्वेश्चन थे जो है आपके असाइनमेंट में आए हुए थे, और आपको जो है पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं असाइनमेंट्स में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसका भी जो है मैंने असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपका जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। और दोस्तों असाइनमेंट देने से पहले जो है जो आपका जो इंग्लिश के लेसन है जो मैंने आपको बताए थे, आपको वो जो लेसन है एक बार जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, क्योंकि उन्हीं लेसन में से जो है आपका जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आपके एग्जाम्स में भी उन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक बार पहले जो आपके जो लेसन्स बताए हैं मैंने उनको एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही जो है आप आपका जो असाइनमेंट है उसको दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।